मेरी बात सुन, मैंने जो कुछ कहा था ना वो एक एक बात सुनिए। आप जा रहे हैं? जी हाँ, तुम नहीं गए इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? सुनिए सेठ, मैंने जो कुछ कहा था ना। हेलो जी, हाँ पुलिस स्टेशन से, कहिए क्या काम है? क्या कहा? बैंक पर डाका, तीन खून क्या? सादे आ रहे हैं आपको सेठ जी? हाँ, मुझे मुझे पहले ही मालूम था। हाँ हाँ, सुबह 9 बजे से, अभी से नहीं, मुझे मालूम है। 9 बजे बताया था इनको जी, अपना ही आदमी है। जरूर जरूर, हाँ जी बाबू, मैं मेरी बात, अब हमारे अखबार को कोई भी नहीं मान सकता। अब मैं सच कहता हूँ सुरेश, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप बहुत बड़े नहीं 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 तुम बड़े बड़े मैं बेवकूफ मैं बेवकूफ मैं बेवकूफ धनीराम आप? जी जी हाँ, मैं सेठ धनीराम। तो टेलीफोन पर आप कह रहे थे कि बैंक लूटने की खबर आपको सुबह 9 बजे से मालूम था? जी हाँ, मेरे रिपोर्टर मिस्टर सुरेश ने मुझे सुबह 9 बजे खबर दी, मगर मेरी बदकिस्मती मैं अखबार में नहीं जाता। तो ये खबर आपने दी? जी हाँ जी हाँ, मैंने दी थी जी, मुझे तो पहले से मालूम था जी। आपको मालूम था? जी हाँ, मुझे मालूम था बैंक लूटी जाएगी, 3 खून होंगे, 7 आदमी जख्मी होंगे, 8.5 लाख रुपए की चोरी होगी। जी ये गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्यों? मैं ले चलो। सुनिए सुनिए, मैं बड़ा गरीब आदमी था, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप मुझे भरोसा क्यों नहीं करते? यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मुझे क्या मालूम था, थाने का मुंह देखना पड़ेगा। देखो थाने से घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग भी तो थाने में रहते हैं। यूं तो लोग जेल में भी रहते हैं। तुम बहुत बातें कर रहे हो। मैं गरीब आदमी, गुनहगार नहीं हूँ सर। बैठ जाओ, मैं कहा कहता हूँ कि तुम गुनहगार, तुम तो रिपोर्टर। हाँ जी। और ऐसे बदमाशों से मिलते जुलते? ना जी। डाके की खबर तुम्हें रात को 11 बजे मिल चुकी थी? हाँ जी। तुमने ये खबर पुलिस को दी? ना जी। सबसे पहले अपने मालिक को दी? हाँ जी। ये खबर देने तुम्हारे पास कोई आया था? ना जी। तो ऐसे ही मिल गई? हाँ जी। तुम कहीं बाहर गए हो? ना जी। कोई आया नहीं? हाँ जी। तुम गए नहीं? ना जी। फिर भी तुम्हें ये खबर मिल गई? हाँ जी। कैसे मिल गई? कोई तारा है, टेलीफोन आया? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, मैं गरीब आदमी, मेरे पास टेलीफोन कैसे हो सकता है? मुझे तार सिर्फ किसी के मरने पर आती हूँ। बैठ जाओ। ना जी। बैठ जाओ। हाँ जी। अगर तुमने सीधी तरह नहीं बताया तो मुझे अपने तरीके इस्तेमाल करने होंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा इंस्पेक्टर साहब, दरअसल आपको अपने ही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा मैं जाता हूँ। तुम नहीं जा सकते, बैठो। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे और कुछ नहीं मालूम। हे भगवान, न जाने उसने मुझे क्यों फंसाया। ओ, तुम्हें किसी ने फंसा दिया? कौन है वो, किसने फंसाया? बोलो, किसने तुम्हें फंसाया? बोलते क्यों नहीं, कौन था वो? बोलो बोलो बोलो। मेरी बीवी ने। तुम्हारी बीवी ने? इसने तुम्हें खबर दी? हाँ जी। उसको किसने खबर दी? मुझे नहीं मालूम। या तो रात में कोई उससे मिलने आया होगा, या वो रात में कहीं बाहर गई होगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी एक हिंदू स्त्री की तरह 24 घंटे घर में रहती है। जी हाँ। तो तुम्हारी बीवी कहीं गई नहीं? कोई आया नहीं? कोई नहीं। तो क्या तुम्हारी बीवी ज्योतिषी? हाँ जी हाँ, मेरी बीवी ज्योतिष विद्या जानती है। अच्छा जी हाँ। तो चलो, कहाँ? तुम्हारे घर, हम तुम्हारी बीवी से मिलना चाहते हैं। आप इन्हें लेकर आओ। Thank you.